पेरेंट्स, 2 मिनट लूंगा मैं यहाँ पे, कि पेरेंट्स बच्चों पे इतना ज्यादा लोड डाल लें, इतना ज्यादा लोड डाल लें कि यार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। 1 साल बच्चे को तैयारी करते हुए नहीं होती, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा। जबकि हमारे आपके पेरेंट्स उस जमाने के लोग हैं जब सिर्फ फॉर्म भर के सिलेक्शन हो जाते थे और इनसे फॉर्म भी नहीं भरा गया। आप खुद बताओ 30 साल पहले क्या होता था, फॉर्म भर के सिलेक्शन हो जाते थे, जिसने फॉर्म भर दिया भाई उसका सिलेक्शन हो गया। अगर ये लोग उस वक्त सिलेक्ट हो गए होते, कांस्टेबल भी सिलेक्ट हो गए होते, तो आज हम लोग एसीपी के बच्चे होते। मानते कि नहीं मानते इस बात को? और इतना प्रेशर भाई सिलेक्ट, ऊपर से रिश्तेदार अलग से परेशान करते हैं कि भाई तुम्हारा लड़का सिलेक्ट नहीं हो रहा, सिलेक्ट नहीं हो रहा। और अलग से बच्चा इंजीनियरिंग कर ले उसके तो फिर पूछो ही मत। इंजीनियरिंग करके बच्चा अगर 2 महीने भी घर पे रह ले तो घर वाले इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उसको कि भैया मटरी छीन ले कुछ काम नहीं है तो चल चक्की से आटा ही पिसवा ला। ये सब चल रहा है मतलब। इसीलिए बच्चों पे और ज्यादा प्रेशर है कि किसी तरीके से जॉब लग जाए। लेकिन सच में आपको बता रहा हूं, जिंदगी में मैंने 6 बार जॉब पाली, क्या हो गया, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती, संतुष्टि नहीं दे सकती। जॉब जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और ये सोच के पढ़ोगे तो लग भी जाएगी पहली बार में, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो बच्चे पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हम लोग पढ़े थे फर्स्ट क्लास से, हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग पढ़ते थे। तो उसके बाद LKG आ गया, UKG आ गया, नर्सरी, प्री नर्सरी। हालत ये हो गई है कि कुछ दिन बाद प्री बर्थ सरी आ जाएगा। बच्चा जन्म से पहले ABCD सीख के आएगा, अल्ट्रासाउंड से पढ़ाई होगी। बोले आपका बच्चा 3 महीने का है, ऐसे सी तक नहीं सुना पा रहा, गुप्ता जी का बेटा इससे जेड तक सुनाता है। तो यार ऐसा मुझे लगता है कि प्रेशर के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई के लिए बहुत आनंद जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है और एंटरटेनमेंट जरूरी है। खुश रहना सबसे ज्यादा मायने रखता है। खुश रहोगे, कॉन्फिडेंस मिलेगा,